मारुति सुजुकी नेक्सा इनविक्टो यानी कि रीबैज्ड टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस को इंडियन मार्केट्स में लॉन्च कर दिया है। किया सेल्टोस के फेसलिफ्ट को इंडियन मार्केट्स में डेब्यू कर दिया है। मारुति सुजुकी अर्टिगा का रीबैज्ड वर्जन टोयोटा रूमियोन इंडियन मार्केट्स में सितंबर में लॉन्च होने वाला है। और भी बहुत सारी न्यूज आज की इस ऑटो न्यूज 19th वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव्स कार। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 जुलाई से 8 जुलाई तक जो भी मुझे ऑटोमोबाइल न्यूज मिली है वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सो चलिए गाइज, ये ऐसी सीरीज तो हमारे चैनल पर आती रहती है, तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल। आपको डेली संडे आपको ऑटो न्यूज वाली वीडियो देखने को मिलने वाली है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। तो चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि होंडा एलिवेट की जो बुकिंग्स है वो ऑफिशियली ओपन हो चुकी है। तो आप इस कार में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस कार को भी से बुक करवा सकते हो, डीलरशिप पर आप इस कार को बुक करवा सकते हो। इसकी जो फर्स्ट डिलीवरीज है कार की वो सेप्टेम्बर से मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, तो प्रोबेबली इसका लॉन्च जो है वो अगस्त में आप कन्फर्म सा समझो। फिर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलता है, तो ये एक काफ़ी ज़्यादा वियर्ड न्यूज़ है और आज की काफ़ी ज़्यादा WTF न्यूज़ ऑफ द डे होने वाली है, व्हाट द फैक्ट न्यूज़ ऑफ द डे, जहाँ पर हमें बताया गया है कि न्यू कार फेल्स टू स्टार्ट ऑन डिलीवरी डे। अभी ऐसा क्यों हुआ है? सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि जो नई कार है, मतलब कि ऑब्वियस बात है, अगर आप शोरूम पे जा रहे हो अपनी नई कार की डिलीवरी लेने और अगर आपकी कार वहाँ स्टार्ट ना हो तो आपको कैसा लगेगा? ऑब्वियस बात है आपको अच्छा नहीं लगेगा। और जब आपको पता चलेगा कि क्यों स्टार्ट नहीं हो रही, उसके पीछे का रीज़न है कि इसकी पेट्रोल की टैंक में यहाँ पर वाटर है। आपको कैसा लगेगा गाइस? पानी। जस्ट हैव अ लुक, ऐसा इंसिडेंट रियल में हुआ है और आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, वाटर इन पेट्रोल टैंक। जी हाँ, और ये टाटा एल्ट्रोस के साथ इंसिडेंट हुआ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये एल्ट्रोस ही है। और टाटा मोटर्स का रिस्पॉन्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो और ये ट्वीट भी आप देख सकते हो। सो वेल, आप तक क्या सोचना है इस इंसिडेंट के बारे में, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो होंडा एलिवेट है इसके वेरिएंट्स को ऑफिशियली इन लोगों ने रिवील कर दिया है और इसके वेरिएंट वाइज फीचर्स को भी, मतलब कि की फीचर्स को रिवील किया है वेरिएंट वाइज। आप अपने स्क्रीन पर इसके देख सकते हो, ये जो है टोटल आपको 4 वेरियंट्स में मिला करेगी, विच इज़ दी SV, V, VX एंड ZX। तो इसमें आप एंट्री लेवल इसका SV होगा और टॉप एंड वेरियंट ZX होगा और आप अपने स्क्रीन पर इसके वेरियंट वाइज की फीचर्स को देख सकते हो। और जब ये कार लॉन्च होगी तो भी मैं इस आपको इस कार के वेरियंट वाइज फीचर्स का वीडियो भी लेकर आपको दूंगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। अगर मैं भूल जाता हूँ तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो लाना है, देन आई विल श्योरली मैं ज़रूर ये वीडियो लाऊंगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, तो यहाँ पर बताया गया है कि Volkswagen Tiguan ने 5 स्टार स्कोर किए हैं लैटिन एनकैप में। और ये जो Volkswagen Tiguan है ये मेड इन इंडिया Tiguan है, तो इसीलिए वहाँ पर 5 स्टार स्कोर करना इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर ग्लोबल मार्केट्स ग्लोबल एनकैप में इस कार ने क्रैश टेस्ट किया है तो 5 स्टार है तो अच्छी बात है, लेकिन जो लैटिन एनकैप है वो थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा उसके जो प्रोटोकॉल्स है वो थोड़े से डिफिकल्ट है और वहाँ पर इस कार ने 5 out of 5 स्टोर किया है, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और वहीं दूसरी कार का भी इन लोगों ने क्रैश टेस्ट किया था, विच इज़ द जीप रेनेगेड, और इस कार ने सिर्फ 1 स्टार स्कोर किया है। तो फिर मैं तो वो कार इंडियन मार्केट्स में अवेलेबल नहीं है, तो ज़्यादा मैं बात उस कार के बारे में नहीं करूँगा। फिर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो टाटा टियागो है इस कार ने 5 लाख का माइलस्टोन को क्रॉस कर लिया है। सो कंग्रेचुलेशन टू द टाटा मोटर्स एंड द टाटा टियागो ओनर्स, काफ़ी अच्छा माइलस्टोन क्रॉस किया और ये कार डिजर्व भी करती है, डेफिनेटली ये कार काफ़ी अच्छा पैकेज। फिर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलता है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो फ्रॉन्क्स है मारुति सुजुकी की, जो फ्रॉन्क्स है इसकी डिलीवरी जो है वो ऑफिशियली, ऑफिशियल नहीं लेकिन आई मीन टू से कि इसकी जो एक्सपोर्ट है वो स्टार्ट हो चुकी है। सो फ्रॉन्क्स जो है वो अब दूसरे मार्केट्स में भी बेची जाएंगी, इंडिया से ये एक्सपोर्ट हुई। आप अपने स्क्रीन पर इमेजेस देख सकते हो, इंडिया में बनकर ये ग्लोबल मार्केट्स में बेची जाएंगी, ये ग्लोबल शिपिंग एडवेंचर है मारुति सुजुकी की तरफ से। फिर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि ह्यूंडई एक्स्टर जो है वो स्पाइड करते हुए देखी गई है रोड पर, और आप अपने स्क्रीन पर इमेजेस देख सकते हो। इस इमेज में पर्टिकुलर ये मुझे काफ़ी बड़ी लग रही है, पंच से ये बड़ी लग रही है, और ऑफिशियली तो पता नहीं कितनी बड़ी है ये कार, बट इसका जो लॉन्च है वो, मतलब आप कल ही समझो, ये वीडियो संडे को अपलोड हो रहा है, मंडे को इस कार का लॉन्च है, तो अभी आगे देखना। आगे इसका डीलरशिप पर ये कार लीक हो चुकी है तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, तो यहाँ पर बताया गया है कि XUV700 का 6 सीटर वाला वर्जन जो है वो स्पाइड करते हुए देखा गया है और आप अपने स्क्रीन पर इसके इमेजेस
देख सकते हो। और जो 7-सीटर वाला वर्जन है वो तो करंटली अवेलेबल है, लेकिन जो 6-सीटर वाला वर्जन है उसमें आपको मे बी कैप्टन सीट्स आपको देखने को मिलेंगी और भी छोटे मोटे लग्जरी वाले फीचर्स देने की कोशिश की जाएंगी, जो कि ऑब्वियसली बात है कि कैप्टन सीट्स वाले वीएन्स में आपको देखने को मिलता है। देर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, तो ये अभी मैंने बताया था कि Hyundai Accord रोड पर स्पाइड करती हुई देखी गई थी, लेकिन नाउ ये जो है ये डीलरशिप पर आ चुकी है और आप अपने स्क्रीन पर इसका हर किसी एंगल से इमेजेस को देख सकते हो। और ये कार ऑलरेडी आधे पार्शियली तो इसको Hyundai ने रिवील कर ही दिया था, इसके इंटीरियर, इसका साइड, हर किसी एंगल से Hyundai ने तो लीक रिवील कर ही दिया था, लेकिन अब डीलरशिप पर आ गई है तो पूरी तरीके से हर किसी एंगल से व्यू देख सकते हो और आप अपने स्क्रीन पर इमेजेस भी देख सकते हो। और यहाँ पर इस कार का पूरा वॉक अराउंड वीडियो भी चैनल पर अपलोड हुआ है, उस चैनल का मुझे नाम तो नहीं पता है, लेकिन आई विल प्रोवाइड यू द डिस्क्रिप्शन लिंक फॉर दैट वीडियो, सो यू कैन जस्ट चेक इट आउट दैट वीडियो। वेल, कार मुझे तो बहुत ही अमेजिंग लग रही है, काफ़ी अच्छे लुक्स के साथ ये कार आ रही है। आई एम गाइस रियली एक्साइटेड फॉर दिस कार। आप क्या एक्साइटेड हो? कल धमाका होने वाला है मंडे को। फिर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि सेल्टोस के फेसलिफ्ट को इंडियन मार्केट्स में डेब्यू कर दिया है। जुलाई 14 से इसकी बुकिंग स्टार्ट होने वाली है। एडास लेवल 2 मिलने वाला है 17 फीचर्स के साथ, पैनोरामिक सनरूफ, और भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। मेन चेंज इसके इंजन में है, जो कि यहाँ पर नया इंजन मिलता है 1.5 लीटर का टर्बो इंजन, जो कि वरना में आपको मिलता है वैसा ही 160 हॉर्स पावर के साथ। आपको ये जो है IMT या DCT ट्रांसमिशन में देखने को मिलने वाला है और इसका वीडियो भी जल्दी हमारे चैनल पर आने वाला है, प्रोबेबली 2 या 3 दिन में आ जाएगा। आपको 2 वीडियोस सेल्टोस के मिलने वाले हैं, सो Yeah, so make sure to subscribe if you want to see the video. फिर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि टोयोटा रूमियन जो है वो इंडियन मार्केट्स में सेप्टेम्बर में लॉन्च होने वाली है। एंड अगर आप स्क्रीन में ये वाला इमेज देख रहे हो ना, तो पर्टिकुलरली जो रूमियन का ये वाला इमेज है ना, इसमें अगर आप फ्रंट देखोगे ना, तो मुझे फ्रंट बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये कार एकदम बकवास दिख रही है, टू बी ऑनेस्ट माई चॉइस। ये आपको भले अच्छी लगे, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द पीपल को अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि ये इनोवा की ग्रिल इन लोगों ने लगाई है। और प्रोबेबली मेरे हिसाब से ये वाला वर्जन अगर इंडियन मार्केट्स में लॉन्च नहीं होगा, मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा दूंगा एक और इमेज, ये शायद प्रोबेबली इंडियन मार्केट्स में लॉन्च हो सके। बेल, अगर ये वाला होता है तो आई एम नॉट सो मच गुड। और लॉन्च क्यों करना है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अभी इन लोगों ने इनविक्टो को लॉन्च किया है मारुति वालों ने, अभी ये लोग ओ माय गॉड, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या ये लोग जापानीज मिलके हमको पागल बना रहे, सारे मिलके हमको पागल बना। फिर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि मर्सिडीज बेंज CLE को ऑफिशियली रिवील कर दिया है। और ये जो कार है इसमें आपको 3 लीटर का मोस्ट पावरफुल इंजन मिलता है, स्ट्रेट सिक्स वाल स्ट्रेट सिक्स पेट्रोल इंजन, 381 BHP के साथ 500 Nm के टॉप ये कार प्रोवाइड करेगी। इस कार में आपको 12.3 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, 11.9 इंच की पोर्ट्रेट ओरिएंटेड टच स्क्रीन मिलती है, 4 और 6 सिलेंडर का पेट्रोल एंड डीजल इंजन आपको मिलेंगे, ऑल माइल्ड हाइब्रिड। फिर चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, तो यहाँ पर बताया गया है कि स्कोडा कुशाक मैट एडिशन को ऑफिशियली रिवील कर दिया है। इसके मैट एडिशन की प्राइसेस की बात करें तो 16.19 लाख रुपीज से स्टार्ट हो जाता है। 2 वेरिएंट्स में आपको मिलता है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, एक 1 लीटर का TSI वाला वेरिएंट और दूसरा है 1.5 लीटर TSI वाला वेरिएंट, दोनों मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आपको मिलता है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि किया वालों ने जब सेल्टोस का लॉन्च इवेंट था, लॉन्च नहीं डेब्यू इवेंट था, तब वहाँ पर इन लोगों ने बताया था कि वो लोग 2025 तक 2 नई EVs और 1 ICE किया मॉडल को इंडियन मार्केट्स में लॉन्च करेंगे, जहाँ पर ICE वाले में किया कार्निवल एक्सपेक्टेड है, जो कि ग्लोबल मार्केट ऑटो एक्सपो में डेब्यू की गई थी वो वाली, और 2 EVs में से 1 EV9 हो सकती है, प्रोबेबली EV9 ही होने वाली है, जो कि मतलब आप देख ही सकते हो ऑटो एक्सपो में रिवील की थी वो वाली EV9, और दूसरी एक EV जो है वो मे बी सोनेट EV हो सकती है, क्योंकि ये लोग जो है इंडियन मार्केट्स के लिए स्पेसिफिक छोटी सी SUV इलेक्ट्रिक कार डेब्यू प्रोडक्शन वर्जन में डेवलप कर रहे हैं, सो वो कार के चांसेस है। तो या दिस वॉज इट। फिर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि ओडी Q8 e-tron को इंडियन मार्केट्स में जो है जल्द ही लॉन्च किया जाने वाला है। और ये जो कार है अभी कुछ ही मतलब जल्द ही इंडियन मार्केट्स में लॉन्च होने वाली है। इसमें आपको अपडेटेड एक्सटीरियर स्टाइलिंग देखने को मिलने वाली है,
न्यू यहाँ पर 140 किलोवाट अवर की 114 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिलेगी और 600 किलोमीटर की रेंज यहाँ पर आपको मिलने वाली है सिंगल चार्ज में। फिर नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि Hyundai Creta के इलेक्ट्रिक वर्जन को बिना कैमोफ्लेज के स्पाइड करते हुए देखा गया है। इमेज क्रेडिट गोज टू द मोटर बीम और साइलेंसर नहीं है और इस कार में कोई साउंड नहीं आ रहा है, तो प्रोबेबली इलेक्ट्रिक वर्जन ही है। और ये जो है ये प्री फेसलिफ्टेड मॉडल है, मतलब कि ये टेस्ट किया जा रहा है। अगर ये कार में टेस्ट की कार हो गई तब फेसलिफ्टेड आउटर में इसका इलेक्ट्रिक वर्जन देखने को मिलने वाला है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि Hyundai i20 के फेसलिफ्ट को स्पाइड करते हुए देखा गया है। आप अपने स्क्रीन पर इमेजेस देख सकते हो। क्रेडिट गोज़ टू द मोटर बीम और यहाँ पर आपको मेनली फ्रंट और रियर में कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं और कुछ चेंजेस आपको इसके टायर्स में देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि टोयोटा की जो कार्स है इसके प्राइस को हाइक कर दिया है। ग्लांजा के 10,000 तक इसके प्राइस को बढ़ा दिया गया है। इनोवा क्रिस्टा के 25,000 तक, हाई राइडर के भी 25,000 तक, हाईक्रॉस के 27,000 तक और फॉर्च्यूनर के 40,000 तक और कैमरी के 46,000 तक इसके प्राइसेस जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं और मे बी आखिरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि 2024 Volkswagen T-Cross को ऑफिशियली डेब्यू कर दिया है। और ये जो है ये इंडियन मार्केट्स में टाइगुन के नाम से आने वाले हैं। बेसिकली ये टाइगुन ही है लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में इसे T-Cross बोलाते हैं, तो आप टाइगुन का फेसलिफ्ट मान सकते हो। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि जो फ्रंट है वो आपके यहाँ पर डिफरेंट देखने को मिलता है। और ये आई लाइक द फ्रंट स्पेशली, काफ़ी अमेजिंग लग रहा है फ्रंट। इंटीरियर भी बहुत ही अच्छा किया गया है। आपको यहाँ पर जो टच स्क्रीन मिलती है वो थोड़ी सी फ्लोटिंग टाइप मिलती है जो कि पहले इंटीग्रेटेड आपको मिलती थी। और रियर में भी आपको कॉस्मेटिक चेंजेस मिलते हैं, जो टेल लाइट्स है वो थोड़े से डिफरेंट टाइप के मिलते हैं जो कि दिखने में डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। सो ये जो है ये इंडियन मार्केट्स में मे बी नेक्स्ट ईयर तक आ जाए। ये जो है इसमें आपको मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स मिलते हैं, फिर आपको एक्स मोटिफ मिलते हैं टेल लाइट्स पर, जैसे कि मैंने बताया एक्स यहाँ पर आपको डिज़ाइन वगैरह मिलते हैं। 8 इंच के टच स्क्रीन मिलती है डायगोनल वाली और यहाँ पर आपको न्यू कलर मिलता है विच इज़ दी ग्रैप येलो। येलो कलर अमेजिंग लग रहा है लेकिन इंडियन मार्केट्स में फैंसी कलर नहीं आते हैं, सो सिर्फ सपने ही देखना पड़ेंगे ऐसे कलर्स के। सो या दैट्स इट, आज की इस ऑटोमोबाइल न्यूज़ में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो देखने में मज़ा आया होगा। वीडियो में मजा आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द वीडियो, अमेजिंग वीडियोस मेरे चैनल पर आते रहते हैं। अगर आपको होंडा एलिवेट के बारे में सब कुछ जानना है तो आप अपने स्क्रीन पर ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखिएगा। एलिवेट के बारे में मैंने वहाँ पर काफ़ी डिटेल में सब कुछ बताया है। ऐसे ही आपको सेल्टोस और इनविक्टो के भी वीडियोस मिलने वाले हैं और प्रोबेबली एक्स्टर के भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस लगता है तो फील फ्री टू कमेंट अस एंड फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया। मुझे फॉलो भी कर सकते हो, वहाँ पर डेली ऑटो न्यूज़ आपको देखने को मिलती है। और कोई भी क्वेरीज हो तो आप वहाँ पर DM कर सकते हो। सो बस फ्रेंड्स, इस वीडियो में तो इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो देखने में बहुत ही मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज जय हिंद, थैंक यू सो मच।